हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं अवेयरनेस वाली, तो ये भी आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं मार्केट में। रोजा है, जाहिर सी बात है थकन है, रश कम है, लोग नहीं आए। तो अभी कुछ दिन पहले हमारी नज़र से एक वीडियो गुजरी कि कैप्टिव घर के पले हुए पैरेट जो हैं वो ले जाके चले। उन यूट्यूबर को तो मैं पैट लवर मानता ही नहीं हूँ, ना उन्हें कुछ बर्ड्स के बारे में पता है, अली वे भी मेरी नज़र में उनको नहीं पता। तो जो दूसरे थे उन्होंने, उनको बर्ड्स का पता है। जो कैप्टिव घर के बर्ड्स होते हैं यार, उन्हें 200 बर्ड्स को ले जाके चील कब्बों की नज़र कर दिया, उनको उड़ा दिया यार, वो कैसे सरवाइव करते। तो यहाँ पे आज हम जो भी बर्ड्स एक्सपर्ट हैं उनसे पूछेंगे क्या ये एकदम सही है या गलत है। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो चलें प्रोग्राम शुरू करते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो व्यूअर्स, हम्माद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनसे कुछ दूसरे सवाल भी करेंगे, इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस कितना है, और कुछ हमारी नज़र से कुछ सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें गुजरी हैं उनके बारे में भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे अदील भाई? हम्माद भाई आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपके? सर रोजे अल्लाह का शुक्र है सही गुजर रहे हैं, एक आध छुट्टी है। अच्छा चले, अल्लाह पाक रमजानों के बाद पूरे कर लीजिए। अच्छा रऊफ भाई ये बता, अपना रऊफ भाई क्या, रऊफ और हम्माद एक साथ होते हैं तो आज हम्माद भाई से बात कर रहे हैं। ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको इस बर्ड्स की फील्ड में? यार अरसा कितना हो गया, कम हो गया भाई, 34 साल उम्र है। सही है। और बचपन से ही बस हमने चूजों से ही शौक शुरू करा और माशाल्लाह बहुत अभी तक के शौक है। ठीक है, आप मतलब यह समझ ले कमो पेश भी मैं लगाऊं तो 30 साल का तजर्बा हो गया होगा? नहीं नहीं, 4 साल की उम्र से थोड़ी शुरू कर दिया, 5 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से। हाँ ऐसे ही, यानी 5-6 साल हो गया। हाँ अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, 20 साल हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताएं आप लोगों की, हमने जो चीज अच्छी भी देखी उसे भी बोलेंगे, सही सही। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, अगर एक कैप्टिव बर्ड है, बजरी है, सही है, और अगर उन्हें ले जाके कहीं पे, मतलब अगर उनको खाना भी मिल रहा है पीना भी मिल रहा है तो क्या वो खुले माहौल में एडजस्ट कर लेंगे? सर अगर कोई 200 दाने ले जाके उड़ा दे। सर ये तो मैं कमेंट्स पे आपको क्या बताऊं, वैसे बिल्कुल बताएं। देखिए हम न्यूट्रल बात पूछ रहे हैं आपसे, मैं आपसे जनरली बात बताऊंगा। अगर मैं कोई भी चीज यूट्यूब पे बना के डालूंगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे, और जो लोग मेरे फैन फॉलोइंग है वो बे लॉस करेंगे, मतलब वो ये इस पे रिसर्च भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसे पता यार अगर अदील एक काम कर रहा है। सही है, आप लोगों का भी माशाल्लाह से एक नाम है, आप काम करते हैं माशाल्लाह। सही है, तो अगर आप कोई चीज को हाईलाइट करेंगे तो लोगों ने भी फिर वही करना है, वही करना है। तो मुझे टू बी फ्रैंक ये बताएं, क्या वो तोते उधर सरवाइव करेंगे अपने ईमान से रोजे की हालत में? सर वो सरवाइव जो है वो फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल और बाहर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज, क्योंकि वहाँ चील कब्बे नहीं है। सही है। दूसरा चीज, उन्होंने हर जगह पानी खाना लगाया हुआ है। सही है। तीसरा चीज, चले हमने छोड़ भी दिया तो क्या, मुझे बताएं एक तोता यहाँ से उड़ता है तो वो कहाँ तक उड़ के जा सकता है? सर ऑस्ट्रेलियन एक केज में जो बंद रहा है सारी जिंदगी, सर ऑस्ट्रेलियन 20 फीट या 30 फीट 30 फीट, 40 फीट बहुत गिर जाएगा, 40 फीट है। ऑस्ट्रेलियन जो है ना, कोई भी कहते ना, ऑस्ट्रेलियन की फ्लाई इतनी नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे पास ही पैदा हुआ है, हमारे पास ही बड़ा हुआ है। नहीं, तो मैंने एक जंगली रिसर्च देखी थी, ग्रीन थे तकरीबन कोई 20,000 दाने थे। सही है बिल्कुल। और उससे जो है शिकरा पकड़ने आ रहा था, नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि वो जंगल के दाने वो जंगल के थे ना सर। ये तो पता है हमें दाना कहाँ से मिलेगा, हमें पानी कहाँ से मिलेगा, जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो हमें हिजरत करके कहाँ जाना है? बिल्कुल सर, जंगल में ऐसा नहीं होता की 12 महीने एक ही जगह दाना मिल रहा है। तो आपके लिहाज से ये 200 दाने जो छोड़े गए तो उनके साथ जुल्म नहीं हुआ परिंदे के साथ, उसे तो चील कब्बे खा जाएंगे? सर वो तो उन्होंने अपनी सवाब की नियत से छोड़े ना, लेकिन देखे लेकिन... आपको पता था रऊफ है, उसको तो पता होगा यार, वो इतने अरसे से काम कर रहा है। चले वो एक यूट्यूबर है, वो तो खैर उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनका होना ना होना उनका बेकार है, लेकिन एक रऊफ को तो पता होगा कि यार ये परिंदा मर जाएगा। सही। मुझे अभी कोई बोलता है जंगली कबूतर मैं 10,000 कर दूंगा, जंगली चुड़िया मैं 20,000 कर दूंगा, बुलबुल जंगली बोलता है मैं आजाद कर दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मुझे बोले भाई ये डफ आजाद कर दो तो मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे कॉमन सेंस है। बिल्कुल, भाई जो बिल्कुल। सारी जिंदगी पिंजरे में रही है वो क्या सर्वाइव करेगी? मैं आप तो ये उन बेचारों के साथ जुल्म हुआ ना, परिंदे के साथ तो जुल्म हुआ ना, दानिश्ता तौर पर हुआ या गैर दानिश्ता तौर पर हुआ? बिल्कुल। अभी आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, उनकी फ्लाई इतनी नहीं है बजरी की, वहाँ पर दरख्त ज्यादा है, उन्होंने अपने हिसाब से, मैंने वो वीडियो नहीं देखी है माजरत के साथ, लेकिन मैं सुना था मैंने कि वो दरख्त वहाँ पर ज्यादा है, तो उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने वहाँ पर माहौल बनाना चाहा कि जैसे बाहर में बर्ड आजाद घूमता है, जैसे फिंचीज है ये नॉर्मल अपने जिस इलाके की है वहाँ पर आराम से
जावा है वो जावा जजीरे की है, तो वो वहाँ पर आपकी बातें, मैं आपकी बातें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन एक आपको तो पता है, आप अगर उस टाइम होते आप उड़ाते क्या ये तोते? सर मैं पूछ रहा हूँ, सर मैं कोशिश करता है कि ना उड़ाऊं। मैं देखे, आपने रोजे का बोला तो देखे ना, मैं किसी के फेवर में बोल सकता हूँ। हाँ सही है, नहीं ये ना तो गलत यार, ये तो फिर मुनाफ़ा हुई ना। आप सही चीज को तो कम से कम, अगर सामने सफेद होगा तो उसे काला बोलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। और अगर काला होगा उसे सफेद बोलोगे क्या? नहीं। मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं अभी आपको बोलता हूँ, मैं ले जाता हूँ जंगल है वहाँ पे, आप अपने ऑस्ट्रेलियन तोते उड़ा दो। सही है। नहीं भाई, बस खत्म हो गई बात, दैट्स इट। तो व्यूअर्स यही हमने सुनना था सर, ये फिंच है ना, ये मोटेशन का दाना है। हाँ सही है, ये अंडर साइज के अंदर है। अभी मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ उड़ाऊंगा ना, ये बहुत तीर मार के 15 फीट जाएगी। सही है, क्यों? ये सरवाइव ही इसी केज में हुई है। अगर आपने ये सोच के छोड़ा है कि दरख्त है, तो दरख्त पे कौवे तो ज्यादा है ना, चीले तो ज्यादा है ना, वो तो ताक में बैठे हैं, उन्होंने तो खाना है, उनकी तो खुराक है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपसे, हमें अच्छा जवाब मिला, और यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई के पास हम मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिलाल भाई बताएं, हमने देखा YouTube पे जो है एक चैनल जो है वो कैप्टिव बर्ड्स को मतलब उड़ा रहा है, मतलब कैप्टिव बर्ड्स तो सारी जिंदगी पिंजरे में रहा है, तो क्या उसकी इतनी सांस होती है कि वो दूर तक उड़ के जा सके, या उसका स्टेमिना होता है कि वो खाना ढूंढ सके अपना? यार जिसने उड़ाया है पहले तो आप उससे क्वेश्चन करें। बिल्कुल, आपकी तो बाद में चल रही है, उनसे पूछ लिया हमने, क्योंकि इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। सही है ना, मैं अपने आप लोग उस्ताद बन रहे हैं, आप लोग इतनी वीडियोस बना रहे होते हैं, तो इस चीज का तस्करा आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। चलिए इसको ऐसे पूछ लेते हैं, आप अपने बर्ड्स अगर कभी आजाद करने हुए कैप्टिव, तो क्या आजाद करेंगे? यार मैं सिर्फ आजाद यहाँ से वहाँ तक करूंगा, चील और कौवे जरूर बैठे हुए होते। अच्छा, ये कह सकता हूँ मैं। चले, इन्होंने दबे लफ्जों में बता दिया कि भाई चील कब्बों से वो कैसे बचेंगे, जंगली परिंदे को इतना नहीं पता होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ी है, ठीक है ना, एक पहाड़ी यहाँ से उड़ा था, ठीक है, काफी दूर तक गया था, ठीक है, पहाड़ी रोह की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, जो जानदार होता है, जानदार होता है और बहुत अच्छी कश्मीरी रोह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको भी बड़ी चीलों ने जाके पकड़ लिया, झपट्टा मार लिया। हाँ ठीक है ना, तो आपने ये क्वेश्चन किया, मैंने आपको ये आंसर दिया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। तो व्यूअर्स अब्दुल लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं, ये मार्केट में मेरे हिसाब से परिंदों को बचाते हैं। सही है, जो किसी का परिंदा उड़ जाता है तो ये उसको पकड़ लेते हैं, फिर थोड़े बहुत पैसे लेके वापस भी कर देते हैं, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना? अच्छा, हमारा सवाल ये था कि हमने कुछ YouTube पे देखा, कुछ लोग जो है ना घर के पले हुए परिंदों को, ऑस्ट्रेलियन को आजाद करा रहे हैं, तो उन्हें बताओ कि यहाँ जो आपसे परिंदा आपके हाथ से बच जाता है वो कहाँ जाता है? सर वो जो बच जाता है वो चील कौवे के हाथ में चला जाता है, इसके अलावा कुछ हाल। चील कौवे क्या करते हैं? नोच के खा जाते हैं। नोच के खा जाते हैं। और अगर 200 परिंदा कहीं छोड़ दिया जाए तो वो किसकी खुराक बनेगा? ये चील कौवे की बनेगी, चील कौवे की। तो तुम्हारा क्या लगता है, जो घर का पिंजरे का पला हुआ तोता है, क्या उसको आजाद करना चाहिए? नहीं, उसको तो बाहर का नहीं पता ना, वो किस तरह से खाएगा क्या है। तो व्यूअर्स इससे पूछने का मकसद यही था कि ये पकड़ता है यहाँ पे, एक मेरे हिसाब से ये नेक काम करता है और इसका एक रोटी रोजी का जरिया है। कौन गलत समझता है, कौन सही समझता है, तो कमेंट्स करिएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ। तो व्यूअर्स मार्केट के बहुत ही सीनियर पर्सन सज्जाद भाई हमारे साथ मौजूद है। आज सज्जाद भाई से पूछते हैं कि इनका तजर्बा कितना है, फिर इनके आगे अपने कुछ सवाल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अच्छा दिल भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सज्जाद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सज्जाद भाई हमारे व्यूअर्स तो आपको वैसे जानते हैं, लेकिन एक अपना मुख्तसर सा बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? 28 साल। माशाल्लाह, यानी कि जिंदगी का 80% हिस्सा आपने इस काम को दे दिया। अच्छा मुझे आप एक चीज बताएं, कोई कैप्टिव बर्ड है मिसाल के तौर पे जैसे बजरी है, अगर इसको हम कोई 200 जोड़े कहीं 200 दाने अगर हम कहीं ले जाके उड़ा दें, और सपोज वहाँ पे चलो मकई भी लगी हुई है, बाजरा भी लगा हुआ, कराची की बात कर रहे हैं, तो क्या वो 200 जोड़ा वहाँ पे सरवाइव कर लेगा अगर हम ले जाके आजाद करा दें? नहीं होता ना। अच्छा, वो क्यों? यहाँ के चील कभी छोड़ते नहीं है, वो परिंदे आजाद है ही नहीं। अच्छा, ये परिंदे वहाँ बाहर के मुल्क में आजाद है, वहाँ छोड़े वहाँ कुछ भी नहीं होगा, हर जगह सर्वाइव कर लेगा, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएगा। नहीं है। सही है, यहाँ चील कब्बे डर के मारे उन्होंने खुद बेचारे परेशान होते हैं। चले अगर मान भी लें चील कब्बों ने नहीं भी पकड़ा, तो क्या उनकी सांस इतनी होती है कि वो सदर तक उड़ते हुए चले जाए खाना ढूंढने के लिए? नहीं। कितना उड़ेगा कैप्टिव परिंदा?
बहुत ज्यादा हो गया यहाँ से 20 से 30 फुट थोड़ा सा ये चल रहा है कि यूट्यूब पे कुछ लोग जो है वो इन परिंदों को आजाद कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई इनको हम इधर छोड़ रहे हैं, वो गुनाह मिलेगा। हाँ, चिल्का पे मारेंगे वो मर जाएगा, वो उसकी खुराक बन जाएगी, फायदा कोई नहीं। गुनाह मिला ना बेकसूर परिंदों को, 200 परिंदों को आपने मार दिया, मतलब आपकी गफलत की वजह से, आपको पता नहीं था तो आपने कर दिया। तो व्यूअर सिर्फ एक्सपर्ट की राय लेने का मकसद यही है कि अगर हम खाली बोलेंगे तो समझेंगे यार शायद हमें कोई मसला है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंगली परिंदा उड़ाए, जंगली कबूतर उड़ाए। देखिए बात लोग समझते ये है कि इस परिंदे को कैद करना ये गुनाह है, ठीक है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे एक बंदे ने सवाल किया था कि मैंने चिड़िया रखी हुई है क्या गलत है, तो उन्होंने बताया था कि देखो इसको अगर तुम भूखा रखोगे तो ऐसा इतना हो कि ये पर मार सके, उसमें उड़ सके, बस इतना भी हो, उसे ख्याल करना, उसके सफाई का, उसे खाने का, अच्छी से अच्छी खुराक दो, 70 मरतबा आप उसका दाना चेक करें, कहीं भूखी कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, पालना सवाब है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई आपकी कीमती राय। तो व्यूअर अजीम हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह से बजरी घर में इन्होंने बहुत काम करा है। इनसे आज शॉर्टली सब पूछेंगे कि अजीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजीम, ये बताएं आपका इन बर्ड्स में कितना एक्सपीरियंस है? अजीम भाई मैं अपने स्कूल लाइफ से कर रहा हूँ तकरीबन 5-6 क्लास से। 5 मतलब 15 साल समझ लें? हाँ 14-15 साल। 14-15 साल। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताएं, एक हमने YouTube पे वीडियो देखी कि भाई वो जो है परिंदे आज़ाद कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, 200 दाने उन्होंने पकड़े और यहाँ का मार्केट का एक्सपर्ट बंदा, चलो यूट्यूबर को तो नहीं पता, वो तो बेचारे ऐसे ही बनाते बनूते मार्केट में आगे उन्हें व्यूज आने लगे, एक मार्केट का काम करने वाला तजर्बेकार बंदा ले जाके वो तोते उड़ा रहा है। अब वो वहाँ दिखा रहे हैं भाई यहाँ पानी भी है, ये सनफ्लावर भी लगे हुए हैं। तो मुझे टू बी फ्रेंक यानी कि व्यूवर्स को हमारे ये बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यूवर्स एक यूट्यूब को देख रहा होता है, जो यूट्यूब करेगा वो उसको वो फॉलो करेगा। बिल्कुल, हो सकता है काफी लोगों ने अपने कैप्टिव बर्ड उड़ा दिए, तो क्या ये बर्ड्स बाहर जाके सर्वाइव कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स अगर बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल, ये समझ ले नामुमकिन ही है यार। ये पूरी जिंदगी आपके 2.5x2 के खाने में रहा है, आप पे डिपेंड कर रहे हैं, कौवे से नहीं बचेगा है। आप मार्केट में देखें एक परिंदा उड़ जाता है, अगर इंसानों के हाथ नहीं आता तो परिंदों के हाथ आता है, परिंदों के हाथ आ जाता है, अगर उससे भी बच जाता है तो बिल्लियों के हाथ आता है, बिल्लियों के हाथ आ जाता है। मतलब वो 200 दानों का क्या हुआ होगा आप मुझे बताएं? वो तो ये समझ लें कि उन परिंदों ने ही दुआ दी होगी कि भाई तुम लोग तो रोज आके उड़ाओ, ऐसे ही है नहीं है, या इनका स्टेमिना कितना होता है मुझे ये बताएं? कितनी बहुत होता है ये, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की सर्वाइव पूरी नहीं कर पाता, उसमें भी 4 बार इसको स्टे करना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है। तो क्या ये एकदम सही है कि लोग अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो ऐसे कैप्टिव बर्ड्स को आजाद कर रहे हैं, क्या कैप्टिव बर्ड्स को आजाद करना चाहिए या जंगली को? जंगली को इससे बेहतर आजाद करना, या चुड़िया इनको आजाद, हाँ उनको आजाद कर दी, क्योंकि उनका नेचुरल वैसा है जिस हिसाब से उनको फ्लाई चाहिए वो उनसे लड़ सकते हैं। अच्छा चले मान लें कि 6 महीने तक के लिए यहाँ खाना है, अच्छा जंगली परिंदे को तो पता होता है ना जब यहाँ खाना नहीं है तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो हिजरत कर लेते हैं। चले उनकी बात अगर एक टाइम पे मान भी लें कि वो वहाँ पे कुछ अर्से के लिए सर्वाइव, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, गरीब भूखा मर जाएगा? बिल्कुल, उसको तो नहीं पता कि इस फूल में से सनफ्लावर निकलता है या ये फसल में बाजरा लगा हुआ है, सही है। तो आप क्या कहते हैं कि ये एकदम सही करा या गलत करा आपकी नज़र में क्या? यार देखिए बंदे की नियत पर था, लेकिन उसको बताना चाहिए, काम करने वाला जो एक्सपर्ट बंदा है ना उसको बताएंगे, मुझे बताएं अगर मैं बोलूं यार मुझे नहीं पता, मैं शायद बीमार को भी ना उड़ाऊंगा और ना किसी को दूंगा, वो अपने मेरे घर में पिंजरे में मर जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा, एंड तक खाना मिलता रहेगा, ना कि चील कब्जे से फाड़ के खा जाए। बहुत शुक्रिया, देखें अजीम ने भी वही बात बोली जो बाकी पेट लवर ने बोली है, ठीक है, थैंक यू। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किसी भी पेट लवर ने या जो पेट सेलर है या यहाँ पे जो जंगली बर्ड्स को पकड़ लेते, कैप्टिव बर्ड्स को पकड़ लेते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये एकदम बहुत गलत था, 200 परिंदों की जान के साथ खेला गया, जो कैप्टिव बर्ड्स है उसको नहीं उड़ाना चाहिए, जो घर में केज में ही पला बड़ा है उसको बाहर क्या नहीं पता कि सर्वाइव कैसे करना है, जितनी देर में वो सोचेगा मैं चील से बचूँ, मैं कब्बे से बचूँ, मैं शिकरे से बचूँ, जब तक बेचारा वो शिकार हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट अवेयरनेस वाला आपको प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, इस वीडियो के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।